प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने गुंजी में रम समाज के स्टॉल में पारंपरिक वस्तुएं और उत्पाद देखे, साथ ही पारंपरिक वाघ यंत्र ढोल भी बजाए, लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित जनसभा स्थल पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंडी टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा निर्मित नारायण आश्रम की कलाकृति प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 4,200 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कल छल छल गानी गंगा गीत, कल कल छल छल गानी गंगा गीत, ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ों का मीत। जोरदार तालियों के साथ इन में एशियाई खेल समाप्त हुए हैं। इसमें भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई, 100 से ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और आप जरा जोर से ताली बजाना, एशियन गेम्स में उत्तराखंड के भी 8 बेटे बेटियां अपना दमखम दिखाने गए थे। और इसमें हमारे लक्ष्य सेन की टीम ने भी मेडल जीता और वंदना कटारिया की हॉकी टीम ने भी शानदार मेडल देश को दिया है। एक काम करेंगे, ये उत्तराखंड के बच्चों ने कमाल की है, एक काम करेंगे अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, मोबाइल निकाल करके उसके फ्लैश चालू करिए और उन सबको ये खिलाड़ियों का अभिनंदन कीजिए। अपना फ्लैश लाइट करके सब अपना मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट करके शाबाश। ये हमारे उत्तराखंड के बच्चों का अभिवादन है, हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन है। मैं फिर से एक बार देवभूमि के मेरे इन युवा बेटे बेटियों को, इन खिलाड़ियों को फिर से अपनी बधाई देता हूं। और आपने भी आज एक नया रंग भर दिया। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर पहाड़ों पर देश के कोने कोने में
जो लोग रहते हैं हमने उनकी भी चिंता की, इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए, 13.5 करोड़ लोग। ये आंकड़ा याद रखोगे, कितने कितने 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।